मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त। केशव के घर टार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंख मलते टार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे अंडे, वो क्या खाते होंगे और इनमें से बच्चे किस तरह से निकल के आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और घोंसला कैसा होगा। कई सारी बातें, कई सारे सवाल, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के कामकाज से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकल के फोर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे वो। फिर श्यामा कहती, चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। बेचारी चिड़िया इतना दाना कहां से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूचू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि टार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, मजा आएगा। केशव ने कहा, नहीं तब क्यों जाएगी। फिर श्यामा ने बहुत ही भोलेपन से कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है।